अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी और मसरूफियत की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका कि आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाएँ, लेकिन इंशाल्लाह मैंने अपनी शिपमेंट में काफ़ी सारी अच्छी प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारे प्रोडक्ट्स के लिए गाइड करूँगी और आपको सब बताऊँगी। लेकिन आज जो जिसका मैं आपको रिव्यू दूंगी वो स्विट्ज़रलैंड की बेस्ट ब्रांड स्विस एमएच की नाइट क्रीम है, जो स्पेशली फॉर वाइटनिंग के लिए है। पर्सनली मैं इसे इसलिए स्विस एमएच की प्रोडक्ट को रिकमेंड करूंगी क्योंकि मैंने इसे ख़ुद भी यूज़ किया है। इसकी पैकिंग आपको मैं दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह से है। ये इनकी अवॉर्डेड प्रोडक्ट है। इसकी वैसे तो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब इसका टोनर, इसका स्क्रब, इसकी डे क्रीम, नाइट क्रीम। एक ब्रांड है तो उसकी ऑलमोस्ट आपको पता है सारी ही प्रोडक्ट्स होंगी, लेकिन मैंने जो पर्सनली फॉर वाइटनिंग के लिए और पिगमेंटेशन वगैरह के लिए जो पर्सनली मैंने जो है इसकी ये नाइट क्रीम यूज़ की है स्विस इमेज की, ठीक है। ये इस पर देखेंगे यहाँ पे साफ साफ मेंशन है मेड इन स्विट्ज़रलैंड। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, ठीक है, और नाइट क्रीम है ये। इस पे ये साफ लिखा हुआ है कि वाइटनिंग केयर है। ये 50 ml की है, ठीक है, आप इस पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। ये 2018 में इसे बनाया गया है, अभी ही बनी है लास्ट मंथ, और 2021 में ये एक्सपायर होगी। मैंने पर्सनली इसकी वीडियो क्यों बनाई, मैंने पर्सनली इसकी वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मैंने इसे खुद यूज़ किया है और इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। प्राइस में ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान में मिलती है या नहीं मिलती क्योंकि मैंने तो इसे आउट ऑफ कंट्री से मंगवाया है। और ये आपकी स्किन टोन, जिस तरह बाज़ दफ़ा लोगों की डबल टोन स्किन हो जाती है, उसके अलावा लोगों की स्किन पर स्पॉट्स पड़ जाते हैं, बाज़ दफ़ा पिम्पल्स निकलते हैं, पिम्पल्स निकलने के बाद वो आपकी स्किन पे निशान छोड़ जाते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये इसकी इस क्रीम की पैकिंग है, ये आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। इस पर साफ मेंशन है मेड इन स्विट्ज़रलैंड, और आपको पता है यूरोप की प्रोडक्ट्स नंबर वन क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती हैं। चलिए मैं आपको इसका अंदर से रिव्यू देती हूँ कि ये दिखने में कैसी है। वैसे तो आई थिंक ये पैक होगी और इसे मैं ओपन नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी नहीं है, ये मैंने किसी की ऑर्डर था और उसके ऑर्डर के लिए मंगवाई है उनके लिए। ये देखें, ये इसकी पैकिंग है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका ऐसा ही क्रीमी टेक्सचर है, अंदर से बहुत ही ये सॉफ्ट और स्मूथ सी क्रीम है, ठीक है। 50 ml है ये। मैंने जो है वो बंद कर दिया है फ्लैश, क्योंकि उसकी वजह से इस पर जो लिखा था वो काफ़ी लाइट कलर में लिखा है तो वो फ्लैश की वजह से नज़र नहीं आ रहा। एनीवेज इस पर ये साफ लिखा है कि ये एब्सोल्यूट रेडियंस वाइटनिंग नाइट क्रीम है। यहाँ पे जो इसके बैनर्स लिखे हुए हैं वो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपकी स्किन टोन को लाइट करता है, आपकी स्किन को रेडियंस देता है, जो पिगमेंटेशन है उसको ख़त्म करने में ये हेल्प करता है, आपकी जो स्किन पर डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं ब्लेमिशेस उनको ये ख़त्म करता है, आपकी स्किन को अगेन रिजनरेट करता है, उसको रिपेयर करता है, क्योंकि आप जब रात को कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं वो डे की क्रीम के बनिस्बत आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है, क्योंकि हम जब रात को कोई भी क्रीम लगाते हैं तो उसके बाद हम सो जाते हैं, तो हम सो जाते हैं और उसके बाद जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से 7-8 घंटे हमारे फेस पर लगी रहती है, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से उसका रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ पे लिखा है कि ये आपकी स्किन को डीप हाइड्रेट करने के साथ आपकी स्किन का नरिश करती है और आपकी स्किन में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि क्योंकि ज़्यादा जब भी हम कोई नाइट क्रीम या कोई वाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं तो वो हमारी स्किन पर ऑयल छोड़ जाती है, या आपकी स्किन पर ऑयल नहीं छोड़ती। पर्सनली आपको स्विस इमेज की ये वाइटनिंग नाइट क्रीम इसलिए रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ये महंगी है, लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा है आपको कोई भी लोकल चीज़ स्पेशली अपने फेस की स्किन पर यूज़ नहीं करनी चाहिए। एक अच्छी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको यूज़ करनी चाहिए क्योंकि आपकी फेस की जो स्किन है वो पूरी बॉडी की स्किन से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं भी अच्छी लगी तो तब भी बताइएगा, उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में करूँगी। और उसके अलावा आपको किसी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप हमसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।